हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल ऑफिशियल रूम। आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर आया। आईफोन है, आईफोन 5S है, उसमें लगा हुआ है आईफोन डिसेबल्ड हो गया है। बार बार पासवर्ड डालने की वजह से ये डिसेबल्ड हो जाता है। तो पहले मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ इसमें कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आज। ऑन हो जाने दीजिए सेट को। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं आईफोन इज़ डिसेबल्ड कनेक्ट टू द आईट्यून। अब क्या करना होगा आपको दोस्तों, आपको अपने इस फ़ोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। लेटेस्ट वर्जन का आईट्यून डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको एक फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी इसकी आईट्यून की, जो आपको आईट्यून के सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली अपडेट होने लगेगा। वो 2.4 GB का होगा मिनिमम, और उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप एक्सटर्नल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए मैं मैनुअली फाइल दे दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब सिस्टम पर चलते हैं दोस्तों, और किस तरीके से इसको रिसॉल्व करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लीजिए। जब आप आईट्यून को ओपन करें, तो आईट्यून को ओपन करने के बाद अपना जो केबल है, आपके पास जो डाटा केबल है, उसको सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिएगा। जैसे मैंने ये वाली केबल अपने सिस्टम में कनेक्ट कर दी, और उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ लगाया, इस बटन को दबा के मैंने केबल को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद ये आईट्यून से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये चीज़ तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो चलिए अब हम सिस्टम पे चलते हैं। पर आप इसको ये प्रोसेस कीजिएगा कि इस बटन को दबा के ही आप केबल को कनेक्ट कीजिएगा, तब जाके आपका ये फ़ोन आईट्यून मोड पे।